हम आपको सीधे लिएंगे लिए चलेंगे जंतर मंतर, वही जंतर मंतर जहां पिछले 3 दिन से टीम अन्ना अनशन कर रही है, लेकिन लोग जरा कम ही नजर आ रहे थे। अब चूंकि बाबा रामदेव पहुंचे हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों की भारी तादाद भी वहां उनके साथ पहुंचेगी, टीम को समर्थन देगी। ये तस्वीरें इस वक्त जंतर मंतर से आप देख सकते हैं, माफ कीजिए, ये तस्वीरें रामलीला मैदान की हैं। दरअसल जंतर मंतर जाने से पहले बाबा रामदेव रामलीला मैदान गए थे, जहां पर 9 अगस्त से उनका अपना अनशन शुरू होना है, अपना आंदोलन शुरू होना है, और रामलीला मैदान के बाद रुख उन्होंने किया सीधे जंतर मंतर का। बाबा रामदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। अब वो क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे रणनीति बना रहे हैं और उससे क्या हासिल होगा, और ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा विवाद वाला विषय है, इसलिए ना तो बिना मांगे किसी को सलाह देनी चाहिए और ना जो है कहीं पर अनावश्यक हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मैं दोनों से दूर रहना चाहता हूं। हां, अब हमारा पूरा ध्यान, क्योंकि 25 तारीख को हमने रामलीला मैदान में तैयारी शुरू कर दी थी हवन करके, 9 अगस्त के आंदोलन पर हमारा पूरा ध्यान है, और मेरा साफ मानना है किसी भी परिवर्तन के 3 चरण होते, कोई बदलाव आया है सृष्टि के आदिकाल से, अब तक तो जंगलों और जेलों से हमारी परिवर्तन की यात्रा ही शुरू हुई। भगवान राम ने जंगल से और भगवान श्री कृष्ण ने जेल से यात्रा शुरू की, और वैसे आंदोलनकारियों के लिए जेल जाना शुभ होता है। पिछली बार अन्ना जी को शुभ मिला था, इस बार भारत अभिमान को आचार्य भाषण जी के कारण से वो शुभता की हासिल हुई। एक चीज और हो रहा है कि कंफ्यूजन ये है, लोग पहले जन लोकपाल की बात करते थे टीम अन्ना, अब मंत्रियों के खिलाफ बोल रही है, तो लगता है लोगों को कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति हुई कि आखिर चाहते क्या है। देखिए, इस बात को तो स्वयं अन्ना जी ने भी स्वीकार किया कि भाई लड़ाई जन लोकपाल की लड़ो, मजबूत लोकपाल की लड़ाई लड़ो। अब ये जो अंदर की बातें हैं ना, मैं क्योंकि उनकी कोर कमेटी में मैं तो कोई बैठता भी नहीं हूँ, उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ। अन्ना जी ने इससे जब हमारी बात हो रही थी तो ये बात जरूर आई थी सामने कि भाई अब जब 9 अगस्त का बड़ा आंदोलन हो रहा है तो लोग भी तो मन का कुछ लोग जो है राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो घरों से पहले बाहर निकलते हैं, बाकी पब्लिक तो खड़ी होती है, और कुछ अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। अब लोग थोड़े से हैं, आप उनको 9 अगस्त को भाई जब बाबा जी ने बुला ही लिया है तो अब बच गए कौन? भाई कुछ लोग जो है कांग्रेस से लेकर के बीजेपी से लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, कुछ सामाजिक लोग जो है संघ जैसी और कुछ दूसरी जो है कुछ मुस्लिम संस्थाएं कुछ हिंदू संस्थाएं उनके साथ जुड़े हुए, और बाकी तो जिनके जिनमें देश के लिए बदलाव करने का जज्बा है, परिवर्तन की लिए जिनमें तड़प है, वो देशभक्त लोग, आध्यात्मिक सामाजिक प्रकृति के लोग, वो हमारे साथ जुड़े हुए, तो बच गए कौन फिर? तो जो है ये इनको अन्ना जी भी ये चाहते थे कि 9 अगस्त के आंदोलन में सबको लगना चाहिए। अब हो सकता है इन्होंने जो भी निर्णय किया होगा अच्छा ही सोच के किया होगा, मतलब ये जो डबलिंग हो रही है, एक आंदोलन पहले 9 अगस्त का आपका बड़ा आंदोलन, उस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं, सवाल खड़े होता है जो अब बड़ा आंदोलन, ये तो सभी को पता है कि 9 अगस्त को होना है, क्योंकि उसके लिए तो जहां लाखों लोगों ने उसका मैं पूरा जो है ब्यौरा तो अभी जंतर मंतर भी जाके दूंगा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं बाबा जी, लाखों लोगों ने रिजर्वेशन उसके लिए करवा लिया, लाखों लोगों ने, नहीं पर इस आंदोलन का ये टाइमिंग गलत थी, आपका कहने का मतलब टाइमिंग गलत है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, समय तो हर समय शुभ होता है, मैं तो हर समय को भगवान का समय मानता हूँ, तो ये घड़ी मुहूर्त तो शुभ है और बहुत कुछ सोचने के लिए। एक, 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 एक सवाल और उठता है, आपने जब आपका अनशन था बाबा जी उस वक्त आपने कहा था कि नाम लेके नहीं किसी ऊपर आरोप लगाने चाहिए, करप्शन की बात करनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रोका था, तो ये आप जिस मंच पे होंगे, जिस मंच पे शिरकत करेंगे, उस मंच पर मंत्रियों के फोटो लगे हुए और सवाल उठा रहे हैं नाम लेकर के, तो आपको लगता है कहना कि ये ठीक नहीं? फोटो तो किसी के भी लगाओ, फोटो तो जो है अच्छे बुरे लोगों के सभी के लगते हैं, उसके प्रसंग होते हैं अलग अलग, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नितांत आवश्यकता होने पर ही हम नाम लेना उचित मानते हैं, हिंदुस्तान की तहजीब है कि यहाँ पर लोग मुद्दों की बात में ज्यादा यकीन रखते हैं। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बन चुके हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति जो बन गए हैं उनके ऊपर आरोप लगाना कहां तक?
देखिए, जिन लोगों ने भी गुनाह किए हैं, ऐसी व्यवस्था बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि जिससे कि सभी गुनहगारों को सजा मिल सके। संवैधानिक प्रश्न, पदों का प्रश्न है, हमें जो है सभी, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, उनका उस पद का सम्मान होना चाहिए। बाबू जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया है? कहा ये कहा जा रहा है सुबह से कि भीड़ जुटाने के लिए आपको बुलाया गया? नहीं, मैं अपनी जो है सद्भावना व्यक्त यहाँ करने के लिए आया हूँ, यहाँ भीड़ का कोई प्रश्न नहीं। मतलब महज औपचारिकता है ये बाबा जी वहाँ पे आपका आना? हमारा अन्ना जी के साथ वादा था, और क्योंकि हमने ये अभी भी कह रहे हैं, आगे भी हम कहेंगे, कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई सामाजिक संगठन हो, जो भी भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ लड़ेगा, देश की भलाई के लिए खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। ये हमारा नैतिक समर्थन व्यक्त करने के लिए,